दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को फिट रखना चाहता है, चाहे कोई एथलीट हो या कोई खिलाड़ी हो। फिल्मों के हीरो से लेकर एक आम इंसान भी अपने शरीर का खास ख्याल रखते हैं। अच्छा दिखना और शरीर को फिट रखना अब लोगों के आम रूटीन में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के समय मोटापा कितनी गंभीर समस्या बन के लोगों के सामने आ गया है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो स्त्री, पुरुष व बच्चे किसी को भी हो सकती है। मोटापा व्यक्ति की सुंदरता नष्ट कर देता है और लोग अक्सर मोटे इंसान का मजाक भी बनाते हैं, जिससे अक्सर मोटे लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हालांकि हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार ये बहुत आसान नहीं हो पाता। तो आइए, आज हम आपको 10 ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिया है। दरअसल ये लोग अपने मोटापे से काफी परेशान थे, लेकिन इन्होंने अपना वजन इतना कम कर लिया कि देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अंबर राजटी। अंबर राजटी ने, जिनका वजन सामान्य से बहुत ज्यादा था, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 24 साल की उम्र होते होते उन्होंने अपना वजन 300 किलो से भी ज्यादा कर लिया था। वो अपना कोई भी काम करने में असमर्थ थे। अंबर की खुराक बहुत ज्यादा थी। वो एक दिन में लगभग 5 से 6 बार खाना खाती थी। जब उनका मोटापा उनकी परेशानी का सबब बन गया, तब जाकर वजन कम करने के लिए उन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने की सोची, लेकिन इस सर्जरी में खतरे का अंदेशा काफी होता है। सबसे पहले वो डॉक्टर यूनान नोव जॉर्डन से मिली, लेकिन अंबर का वजन और उनकी हालत देखने के बाद डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन अंबर अपना वजन कम करने का फैसला कर चुके थे। बहुत अनुरोध करने के बाद डॉक्टर इस शर्त पे राजी हुई कि इलाज से पहले उन्हें अपना 10 किलो वजन कम करके दिखाना है। अंबर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गई। अंबर का ऑपरेशन किया गया और 7 महीने बाद अंबर का लगभग 40 किलो वजन कम हो गया। इसके साथ ही अंबर ने अपना वजन कम करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। एक साल बाद जब वो अपने डॉक्टर से मिले तो अंबर को देख के वह हैरान रह गए। अंबर लगभग 68 किलो वजन कम कर चुके थे। अंबर सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। अंबर अब काफी खूबसूरत भी दिखने लगे हैं। युआन पेड्रो फ्रैंको सेलेब। दोस्तों, मेक्सिको के रहने वाले युआन पेड्रो फ्रैंको के नाम दुनिया का सबसे मोटा इंसान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। युआन पेड्रो का वजन 595 किलोग्राम था और अपने बढ़ते हुए वजन के कारण युआन पेड्रो 7 साल से अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकले थे। इन्हें लगता था कि यदि वो इस हालत में बाहर गए तो लोग उनके खिल्ली उड़ाएंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मोटापे के कारण अक्सर अन्य गंभीर बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। यही युवान के साथ भी हुआ। जॉन को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि भारी शरीर की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सभी को लगने लगा था कि अब युवान का बचना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों युवान पेड्रो ने अब भी हार नहीं मानी थी और अपना वजन कम करने की ठान ली। रेगुलर डाइट बदलकर युवान ने 170 किलो तक वजन कम कर लिया। इसके बाद गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से जॉन ने 250 किलोग्राम तक वजन कम करने में भी कामयाबी पाई है। अब युवान लगातार एक्सरसाइज और डाइट के हिसाब से ही कैलोरी लेके अपना बाकी वजन कम करते हैं। डोना सिम्पसन। हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं डोना सिम्पसन। डोना का नाम दुनिया की सबसे मोटी माँ के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 2008 में जब 250 किलोग्राम वजन की डोना प्रेग्नेंट हो गई, तब 30 डॉक्टर्स की एक टीम ने उनकी डिलीवरी कराई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें डोना की जान भी जा सकते थे। लेकिन डोना की हिम्मत और उनके मां बनने के जुनून की वजह से उनका ऑपरेशन बिल्कुल सकुशल हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया और डोना अभी 100 kg तक वेट लूज कर चुके हैं। पॉल मेसन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सफक के रहने वाले पॉल मेसन के बारे में, जो एक समय अपने 445 किलोग्राम वजन के कारण दुनिया के सबसे मोटे लोगों में से एक थे। पॉल को मोटापे की समस्या तब से स्टार्ट हुई जब वो 21 साल के थे। अधिक जंक फूड खाने और इरेगुलर डाइट से पॉल एक दिन में करीब 20,000 कैलोरी तक का खाना अकेले खा जाते थे, जो कि 10 युवा इंसानों के खाने के बराबर है। इसके बाद पॉल ने खुद का वजन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से कम करने की ठानी। उनको डर था कि बढ़ते वजन के कारण कहीं उनकी जान न चली जाए, लेकिन पॉल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पास सर्जरी करने के लिए इतने पैसे नहीं थे। अब शायद आप सोच रहे होंगे, तो फिर पॉल कैसे अपना वजन कम करने में कामयाब हो पाए? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब डॉक्टर जेनिफर नाम की एक महिला ने पॉल के बारे में पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मेसन को ट्रीटमेंट देने की सोची। 54 वर्षीय मेसन की सर्जरी करने वाले अमेरिका के लिनक्स हिल हॉस्पिटल ने उनकी पूरी फीस माफ कर दी। इतना ही नहीं, सर्जरी को अंजाम देने वाले 4 प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट और नर्सों की टीम ने भी अपना मेहनताना नहीं लिया। दोस्तों, हमारे यहाँ कोई 10 रुपए भी नहीं छोड़ता, पर आपको यह सुनकर शॉक लगेगा कि सर्जरी का नेतृत्व करने वाली सर्जन डॉक्टर जेनिफर केपला बताती हैं कि सर्जरी पर कुल 2.5 लाख डॉलर यानी 1.6 करोड़ से भी ज्यादा खर्च आया था।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और जेनिफर की इसी मेहनत की वजह से मेसन का 240 किलो तक वजन कम हुआ और अब वो खुद से खड़े होकर चल फिर सकते हैं। वॉल्टर हडसन। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगले पायदान पर हैं वो है वॉल्टर हडसन। वॉल्टर के नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी उनकी कमर के लिए। वॉल्टर की कमर 109 इंचेस यानी कि 277 सेंटीमीटर की थी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी इतने कमर वाले इंसान को देखा है? क्योंकि मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है। आपको बता दें, वॉल्टर को मोटापे की समस्या तब से ही शुरू हो गई थी जब वो 12 साल के थे। 12 साल की उम्र में वॉल्टर का वजन लगभग 200 पाउंड्स था और 1987 में वॉल्टर का वजन 1197 पाउंड्स हो गया था। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से वॉल्टर ने अपना वजन 800 पाउंड्स तक कम कर लिया था। फिर भी 1991 में वॉल्टर की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। उस समय उनका वजन 900 पाउंड्स यानी करीब 410 केजी तक था। दोस्तों क्या आपकी कमर भी वॉल्टर जितनी बड़ी है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। केनेथ ब्रम्बले। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगले इंसान हैं, इन्हें इनके वजन के कारण हाफ टन डैड के नाम से भी जाना जाता है। 1033 पाउंड वजन के केनेथ एक दिन में करीब 30,000 कैलोरी का खाना खा जाते थे, जो कि लगभग 30 लोगों के खाने जितना है। भाई हमारा तो सिर्फ दो रोटी खा के ही पेट भर जाता है, लेकिन पता नहीं ये कैसे कर लेते होंगे। जब केनेथ ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने की सोची, तब उनके चेकअप में डॉक्टर्स को पता चला कि उनके पैर में ट्यूमर है, जो उनके लिए सही नहीं था। लेकिन फिर भी अपने इस मोटापे से परेशान हुए केनेथ ने सर्जरी कराने का अपना डिसीजन नहीं बदला और कई डॉक्टर्स की टीम ने लगातार काम कर 3 सर्जरीज में केनेथ का ट्यूमर और एक्स्ट्रा फैट निकाल पाने में सफलता पाई। और अब केनेथ ने 40 दिनों में 168 पाउंड वेट कम किया, जो उनके लिए किसी सपने जैसा था। आर्या परमाना। दोस्तों इंडोनेशिया में रहने वाले आर्या परमाना को दुनिया का सबसे मोटा बच्चा कहा जाता था। 10 साल की उम्र में वो एक बार में 5 लोगों का खाना खा जाता था। हालात ये थे कि इस वजन में आर्या के लिए 5 मिनट भी खड़े होना मुश्किल था। उसका दिन भर लेटे ही बीतता था। सर्जरी से पहले इंडोनेशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजियम ने सबसे मोटे लड़के का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज किया था। बीते साल अप्रैल में जकार्ता के ओमनी हॉस्पिटल में 12 साल के आर्या का गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशन हुआ। उसके पेट का एक बड़ा हिस्सा काटकर हटाया गया ताकि वो खुद को खाने से रोक सके। इसके बाद से आर्या का वजन काफी घट गया है। अब वो आराम से चल फिर सकता है, वो स्कूल भी जाने लगा है और वहाँ बच्चों के साथ फुटबॉल से लेकर टेनिस और बैडमिंटन तक सब खेलता है। आर्या ने बताया कि मेरी भूख अब पहले जैसी नहीं रही, अब सिर्फ 6 चम्मच खाने से ही मेरा पेट भर जाता है। मैं मिठाई भी नहीं खाता और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीता हूँ। डॉक्टर्स के मुताबिक आर्या की स्थिति मोटापे के सबसे मुश्किल केसेस में से एक थी। डेविड स्मिथ। दोस्तों अब बात करते हैं डेविड स्मिथ के बारे में, जो फीनिक्स में पैदा हुए थे और वो एक नियमित बच्चे के रूप में बड़े हुए थे। स्कूल में बुलिंग के कारण डेविड स्मिथ ने बचपन से ही खुद को अकेले रखना और पेट भर खाना खाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 24 साल की उम्र तक डेविड का वेट 650 पाउंड यानी करीब 300 किलो तक हो गया। दुख की बात तो यह है कि अधिक खाना खाने से डेविड को लिवर इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उन्हें खाना छोड़ना होगा, नहीं तो वो 4 साल के अंदर मर जाएंगे। ये सुनने के बाद डेविड ने अपने खाने पर कंट्रोल किया और अपना वजन घटाने के लिए जो भी करना पड़े वो सब करने लगे। बल्कि डेविड ने क्रिस पॉवेल, जो कि गुड मॉर्निंग अमेरिका के फिटनेस स्पेशलिस्ट थे, उनसे मदद मांगी। क्रिस पॉवेल की मदद से डेविड ने 1 महीने में ही 40 पाउंड्स तक वजन कम करके खुद को सर्जरी के लिए तैयार कर लिया। और फिर कई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के बाद डेविड ने 400 पाउंड्स तक अपना वेट कम कर लिया, जो कि उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।